अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर इंटरेस्टेड ब्लॉग। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसे कि आप मुझे जानते होंगे, मैं हूँ मशहूर ब्लॉगर अजान रशीद। तो मजाक कर रहा हूँ भाई, अभी काम शुरू है, अभी तो 100 सब्सक्राइबर नहीं हुए हमारे। तो जैसे क्या चल रहा है, तो उम्मीद है कि हो जाएंगे। तो भाई बिना टाइम वेस्ट किए, बिना कोई खर्च मारे हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग में हम बताते हैं हम क्या करने वाले। आज के ब्लॉग में हमारा पहला दिन होने वाला है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो कल मैं आया था, तो आज फर्स्ट डे है। तो फर्स्ट डे के अंदर आज हम जाएंगे अपना शहर में, शहर में जाके अपने एक सिम निकलवानी है, बैंक अकाउंट खुलवाना है, और एक दो और मेट्रो और मतलब ट्रेन कार्ड बनवाना है एक। यही तीन चार काम होंगे, बाकी अभी देखें क्या क्या, क्योंकि भाई सब कुछ गाइड कर देंगे। तो भाई जिन भाइयों के पास मैं, बहुत ही नाइस भाई हैं भाई, कसम खुदा की मज़ो आ गो। रात को बर्थडे पार्टी थी रैंडमली ना उनके दोस्त की, तो उधर चले गए। उधर तकरीबन 14 दोस्त सारे इकट्ठे हो गए, तो वो मेरे दोस्त भी बन गए एक रात रात में। भाई हम हैं ही ऐसे, दोस्त बना लेते हैं मिनटों में, तो सारे दोस्त बन गए। तो इधर का माहौल यार कसम से, सुबह भी उठा हूँ तो कसम पीछे चेक करो यार, क्या खूबसूरती है। ऐसा सीन देख के दिल खुश हो जाता है यार, दिल गार्डन गार्डन हो जाता है, ऐसा सीन है इधर। तो इधर भाई हर स्टूडेंट करोड़पति है पाकिस्तान के हिसाब से। मैं दिखाता हूँ आपको, एक भाई है दानिश भाई, तो उनकी गाड़ी मैं पहले आपको दिखाता हूँ, गाड़ी चेक करें। ये गाड़ी है, ये पाकिस्तान में पता नहीं है भी कि नहीं यार, क्या कमाल गाड़ी है। मैं आपको बैक कैमरे से ना सारी गाड़ी दिखाता हूँ, इधर देखें। ये गाड़ी है यार, गाड़ी चेक करो कसम से, इसकी वो भाई कहते पाकिस्तान में कीमत तकरीबन 1-1.5 करोड़ होगी। कमाल लग्जरी कार है, अंदर से भी इंटीरियर भी इसका यार बहुत हैवी है। ये कार है, एक ये कार है होंडा सिटी, एक ये बाइक की है, और एक ये पीछे खड़ी हुई है कार ये वाली, एक ये बाइक की। और अभी दो गाड़ियां गई चली गई हैं, दो कार्स जो है ना, वो भाई दो हैं, वो सुबह सुबह काम पे निकल जाते हैं, वो लेके चले गए हैं। वो भी कमाल की गाड़ी है, एक जो मैंने आपको दिखाई है वाइट कलर इसके साथ वाली है, और एक है रेड कलर वाली, तो वो है। तो भाई चार स्टूडेंट हैं, चारों ने, चार लोगों ने पाँच गाड़ियाँ रखी हुई हैं, एक गाड़ी एक्स्ट्रा मेरे लिए। हाँ भाई मैं भी लेने लगा हूँ, एक हफ्ते डेढ़ हफ्ते तक मैंने भी गाड़ी ले लेनी है। हाँ भाई शशके हैं भाई, स्टूडेंट इधर आता है तो ऐसे ही होता है। तो ये हिसाब है, बड़ा खूबसूरत यार, बहुत खूबसूरत। आप इस दर से अंदाज़ा लगा ले यार, अभी घर है मैं इधर, ये थोड़ा सा ना शहर से थोड़ा सा बिल्कुल बाहर आ जाते हैं। तो इधर का माहौल चेक करें, मेरा पीछे सारा सीन चेक करें यार। अब पाकिस्तान का जो ये बहरिया बुहरिया, ये जो जोहर टाउन और ये जो है ना DHA, ये तो इधर के नज़दीक नहीं लगते हैं। पता नहीं वो किधर टिटरे फिरते होते हैं भाई, हम इधर रहते हैं DHA रहते हैं भाई, इधर DHA कुछ भी नहीं है उसके मुकाबले। अब यहाँ लगे थोड़ा सा गाँव के शहर के अंदर चले और भी लग्जरी काम आ जाता है, ऐसे ही शौके ना बना करो भाई, जो कहते हैं कि हम DHA गए, हम बहरिया गए, इधर गए उधर गए, इधर आओ तो फिर पता चले। तो बड़ा ही खूबसूरत शहर है यार एडिले। उसके बाद बाकी मैंने आपको बता दिया आज हम क्या करने वाले हैं। तो अभी जो भाई काम पे गए हैं वो कह रहे थे मैं आ जाऊँगा 1-2 बजे, तो 1-2 बजे हम बाजार शहर जाएंगे, तो शहर जाके अपना काम देखेंगे। 2 बजे भी हैं तो वो आज मेरे साथ ही हैं, करते हैं हमारा जो भी लोग है कंटिन्यू। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद जब हम जाएँगे शहर में। तो आज हम अपनी सिम लेने की तरफ जा रहे हैं, तो वोडाफोन की भाई कह रहे हैं अच्छी है, तो हम आज वोडाफोन की अपनी सिम लेंगे। तो अभी हम सिम लेने के लिए जा रहे हैं भाई के साथ, तो उधर जाते हैं और सिम लेते हैं और देखते हैं कौन सा रेट अच्छा वगैरह है, कौन सी है। होगी एक टेलस्ट्रा होगी ऑप्टस। तो जो टेलस्ट्रा है वो थोड़ी महंगी है, ऑप्टस मतलब थोड़ी सस्ती है, उसके पैकेज भी थोड़े सस्ते हैं, लेकिन जो फेमस है ऑस्ट्रेलिया के अंदर वो टेलस्ट्रा। तो जैसे बस वो थोड़ी सी महंगी है। हाँ वो अब आप देखोगे कि आपने कौन सी लेनी है, आपको मतलब मैं ऑप्टस भी दिखाऊंगा, उसके पैकेजेस भी आप देखोगे और टेलस्ट्रा भी देखोगे और उसके पैकेजेस भी मतलब देखोगे, सारी चीजें आप देखोगे जो आपको मतलब फेवरेट होगी, जो दिल लगे वो आप यानी के लोगे। तो देखते हैं भाई उधर जाके जो पसंद है हम वो वाली रख लेंगे, तो चलते हैं। और साथ अपना अपना साथ हमने एक अपना बैंक अकाउंट भी खुलवाना है, तो बैंक अकाउंट के लिए जो नंबर है ना वो लाजमी है। बैंक अकाउंट खुलवाने के बाद हम वापस आएंगे तो और अपने TFN के लिए अप्लाई करेंगे, तो बने रहेंगे हमारे साथ। तो मिलते हैं सिम वाली मार्च में जाके। हाँ जी भाई साहब, तो हम नॉर्थ पार्क प्लाजा नाम है, तो इधर आ चुके हैं, तो इधर मिलते हैं सिम्स वगैरह हर तरह की चीज़ मिल जाती है। तो अभी हम जा रहे हैं भाई के साथ सिम लेने, तो सिम लेते हैं, उसके बाद आपको अगला सिम समझाते हैं क्या होता है। सिम जाके आपको प्लान वगैरह दिखाते हैं, कितने डॉलर के कौन सी सिम मिलती है और कितनी देर के लिए कितनी GB मिलती है। तो अभी चलते हैं और देखते हैं हमारा क्या सिम होता है यार। शशके चेक करो इधर, मोहल जो बचिया
भाई इधर तो गोरियां भी बहुत ज्यादा गोरी हैं। सैमसंग के मोबाइल चेक करो, सैमसंग गैलेक्सी A3 5G 128 GB कितने का? $599 का, ऑस्ट्रेलियन डॉलर का। सही है भाई, ये पड़ा हुआ है सैमसंग गैलेक्सी S22 Ultra 12 GB और पे विद 62, ये पता नहीं पे नाउ 179 मतलब $1799 का, और पे लेटर मतलब जो मंथली होता है ये इंस्टॉलमेंट का 74 महीने बाद दो, और मोबाइल ले जाओ यार, क्या मोबाइल है वो भी डिफरेंट। 40 GB पे लोगे मतलब महीने का 40 GB मिलेगा तो $58, और 180 GB लोगे तो 68, और 300 GB लोगे तो महीने का पड़ेगा 89। ये इसके प्लान है। हाँ सही हो गया। तो सिम वगैरह भी इनके पास नहीं है मुझे लगता नहीं कि भाई, अभी हम टेस्ट टच होके आए उनके साथ, पास सिमें अभी शायद नहीं पड़ी तो वो बिजी थे अभी, तो हम उधर से आगे हम ऑप्टस की तरफ जा रहे हैं, ऑप्टस के हम जाके सिम देखते हैं और देखते जाते हैं उधर क्या हिसाब है भाई। इधर मोबाइल तो बहुत सस्ते हैं पाकिस्तान के नस्बत, तो अभी जाते हैं उधर देखते हैं जाके ऑप्टस कोई कोई चीज़ पसंद आती है लेकिन ऑप्टस की सिम ले के तो ज़रूर जानी हमने। तो ये अभी हम आए वोडाफोन इधर जाके अभी अब देखते हैं क्या हिसाब होता है। तो हमने अपनी सिम वगैरह ले ली ऑप्टस की, तो मुसलमान भाई थे इंडिया से थे तो अच्छे मिल गए यार, काउंट कर लिया उन्होंने तो $39 की हमें मिली है। एक दफ़ा वैसे लिए हमने सिर्फ 100 GB हमें एक मंथ के लिए मिल गया है तो वो हमने ले लिया है। तो मोबाइल वगैरह नहीं तो वीडियो वगैरह नहीं बना सके तो बाद में जाता हूँ, तो बाकी सिम ले लिया। नंबर भी बड़ा VIP यार, जो पाकिस्तान में हम 3-3, 10-10 हज़ार रुपये दे के नंबर लेते हैं ना, कमाल का बढ़िया, तो भाई वो इधर फ्री मिलता है, बहुत ही कमाल का नंबर मिला है मुझे भी। तो अब जाएंगे हम बैंक में अपना बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए, चलते हैं बैंक में भाई साहब। तो हमने जो सिम वगैरह थी वो अपने निकलवा ली है, तो अब हम बैंक में आए हुए हैं तो अपना बैंक अकाउंट खुलवाने, तो बैंक में मैंने जो डिटेल डेल रख दी है अपना एड्रेस नंबर और दो तीन चीज़ें वो हमने डलवा लिखती हैं, तो अभी उन्होंने कहा 10 मिनट वेट करें, तो आप मेरा उनका एम्प्लॉय वो आएगा, मेरा पासपोर्ट नंबर और दो चीज़ जो चीज़ें रिक्वायर होंगी वो लेकर मेरा अकाउंट खोल देगा भाई। इधर काम ना चश्के वाले हैं और पाकिस्तान वाला साहब नहीं है कि भाई सुबह आना परसों आना ये चीज़ चाहिए वो चीज़ चाहिए, वो कहते हैं भाई बहुत अच्छा मिला इनका यार, वो कोऑपरेट करते हैं यार, अगर जो चीज़ नहीं है तो वो आपको सारा गाइड करते हैं कैसे ऐसे है। पाकिस्तान तरह नहीं यार, नहीं इंजा जे पैसे दो तो ठीक है, इतने भैया साहब नहीं है, 10 मिनट में आपका बैंक अकाउंट खोल देते हैं। तो अभी दरअसल रश बहुत ज़्यादा, पीछे आप देख सकते हैं गोरियाँ खड़ी हुई हैं भाई, उन्होंने भी गोरियाँ देखनी है तो मजाक कर रहा हूँ, सीरियस ना लेना। तो वो टाइम लेते हैं क्योंकि रश है ना, तो वो रश को ज़्यादा से जल्दी कवर करते हैं, उनका वेट करें आप तो आपका एम्प्लॉई आएगा तो आपका वो अकाउंट खोल देगा। तो भाई फ्री ऑफ कॉस्ट पाकिस्तान के तो पैसे लेते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका खोलते हैं। अगर आपको उसको बताते हैं कि मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट हूं तो वो बड़ी इज्जत करते हैं भाई, वैसे भी इज्जत मेरी शक्ल देख हर भी इज्जत करता है, देखो बशराफत मुँह से टपकती है मेरे। हाँ तो वो कहते हैं कि आपका फ्री ऑफ कॉस्ट खुलेगा तो आप बैठेंगे वेट करें, कोई चाय शाय पीनी है पानी शानी पीनी है तो पिए, तो हमें बताएँ तो वेट कर रहे हैं, तो जैसे बैंक अकाउंट खुलता है तो आपको नेक्स्ट बताते हैं। थैंक यू। हाँ जी भाई, तो हमने जो अपना अकाउंट वगैरह था वो खुलवा लिया, तो बड़ा टाइम लगा था तो खोज जाया बंदा सामने खिलाफ गया, सॉरी फॉर अब्यूज गाली की भाई, ऑस्ट्रेलिया में अंग्रेजी आ गई है तो ऐसे ही एम्प्लॉय था उसको पता ही नहीं था अकाउंट कैसे ओपन करना है, वो दूसरा बंदा था इंडिया का उसने थोड़ी सी हेल्प की, नहीं तो वो मुझे पता नहीं क्या से क्या घुमाई जा रहा था यार, लख लाना था ऐसे बंदों पर यार, एम्प्लॉय है और उसको अकाउंट नहीं ओपन करना आ रहा है, बड़ा टाइम लगाया उसने बढ़ाने, तो 10 मिनट का अकाउंट ओपन हो जाता है, आधा घंटा घंटा उसने लगाया मुझे उधर पाता रहा, कभी ये चीज़ कभी वो चीज़, आता उसे है नहीं था। तो फिर बाद में वो इंडिया वाला जो बंदा था उसने मदद की, अच्छा था वो, इंडिया के बंदे अच्छे थे, इंडिया वाले हो तुम चंगे हो, एड भी नहीं माड़े तुम जिटे समझते हैं लोग, पर सारे इतने सही होंगे। उस तो बाद हूँ उसके बाद सॉरी 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 फॉर मिटिया भी, उसके बाद अकाउंट भी ओपन हो गया, तो अब घर जाके हम TFN के लिए अप्लाई करेंगे, वो तो नेट से अप्लाई हो जाता है तकरीबन 5 मिनट का काम होता है TFN के लिए, उसके बाद AVN के लिए, तो उसके बाद हम करेंगे जो भाई अमीर बनना है, पैसे कमाने हैं पैसे, फिर ही किसी ने रिश्ता देना है बाजी, फिर ही किसी ने रिश्ता देना है सॉरी, तो पैसे पुसे कमाइए हो ना कोई तो बहुत मेहनत मुहनत करिए, मेहनत स्टार्ट हो जानी है तो फिर असं भी गाने लाने कर लेने फोन लाने साहब लगाते हैं साहब, अब घर जाते हैं कुछ खाते पीते बहुत भूख लगी हुई है, तो भाई भी आने वाले होंगे लेने के लिए, तो स्टार्ट ही करते हैं या फिर देखते हैं, अगर कोई चीज़ दिखाने वाले रहेगी तो आपको दिखाएंगे, नहीं तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पे व्लॉग एंड हो गया, तो देखते हैं।